साइंस का एग्जाम तो जैसे जैसे चला गया, लेकिन अब एसएसटी के एग्जाम की बारी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पांच ऐसे टिप्स जिनसे आप प्रिपरेटरी हॉलीडेज में एसएसटी पढ़ के ले आओगे 80 में से 80। नंबर वन, एनसीईआरटी की पूरी पूरी रीडिंग 21 चैप्टर के लगाने बैठोगे तो 6-7 दिन उसी में निकल जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रीडिंग करो और एनसीईआरटी को हाईलाइट करो जहां पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है। नंबर टू, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस चैप्टर के साथ में करो, चाहे वो 3 मार्कर्स है, एमसीक्यू है या 5 मार्कर है। नंबर थ्री, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को पीछे मत छोड़ना, मेरे चैनल पे उसकी पूरी एक वीडियो अवेलेबल है, मैं उसका कमेंट्स में लिंक पिन कर रही हूँ। नंबर फोर, सैंपल पेपर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, लेकिन उन्हें तभी सॉल्व करना जब आपका 60-70% सिलेबस कवर हो गया हो, वरना सैंपल पेपर सॉल्व करके अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा। नंबर फाइव, एसएससी का पेपर अक्सर बहुत ही लेंदी आता है और बच्चों का छूट जाता है, इसलिए जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करो उसे टाइम फ्रेम में सॉल्व करो और पेपर हाईलाइटिंग की ट्रिक्स पहले ही प्रैक्टिस कर लो। एंड लास्ट बट द बेस्ट टिप आई कैन गिव यू इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहां पे मैं ला रही हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉल साइंस की मेंटी क्विजेस और साथ में मैराथन सेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज और भी बहुत कुछ। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, टेक केयर।